देखिए, पाकिस्तान के बारे में आपको पहले ही पता है कि पाकिस्तान कहता कुछ है और करता कुछ है, और वही इस बार भी उसने वही साबित किया है। एग्जैक्टली स्नैपिंग नहीं कह सकते, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग है जिसमें दो जवानों को इंजरी हुई, क्रिटिकल इंजरी हुई, और बाद में उनकी अस्पताल ले जाते समय जवाब हमने काफी स्ट्रांगली जवाब दिया है, और आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा कि उनका कितना नुकसान हुआ है, कितने लाइफ एंड प्रॉपर्टी का नुकसान है। तो कोई सिविलियन एरिया को टारगेट नहीं किया, जहां से हमारे ऊपर जो फायर आ रहा था उन लोकेशंस को हमने टारगेट किया है। और जहां तक पाकिस्तान का जो सवाल है, शुरुआत में ही उन्होंने परकवाल और कानाचक को टारगेट करना शुरू कर दिया था, जहाँ पर आप सभी को पता है कि कुछ जो इंजरीज हुई हैं और बाकी का मकान और जो गाड़ियां हैं और दूसरी प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ। देखिए, अभी इस केस को अभी पूरी तरह से जो है इसमें स्टडी करने की जरूरत है, और मैं नहीं समझता कि इस केस में ऐसा कुछ हुआ है।